बीच मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, बात कर रहे हैं हम सूतक काल की, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि किन लोगों को खास तौर से इस बीच सावधानियां बरतनी चाहिए। तो क्या ये सावधानियां सिर्फ सूर्य ग्रहण के शुरू होने से ही शुरू हो जाती हैं, या फिर सूतक काल में भी उतनी ही सावधानियां बरतनी होगी? सूर्य ग्रहण के सूतक काल में भी उतना ज़्यादा तो खराबी नहीं होती है जितना ग्रहण काल में होती है, लेकिन ग्रहण का सूतक भी थोड़ा सा खराब होता है, उतना खराब नहीं होता है जितना खराब ग्रहण का पीरियड होता है। और शास्त्रों में तो तमाम मर्यादाएं बनाई गई हैं, सूतक में भोजन नहीं करना चाहिए, जलपान नहीं करना चाहिए, जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए, कोई सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग ये 12 घंटे का परहेज नहीं कर सकते हैं उनसे आग्रह किया जाता है कि जब से जब तक ग्रहण रहे तब से तब तक कम से कम कुछ ना खाएं, कुछ ग्रहण ना करें, शयन ना करें, सोए नहीं, कोई सांसारिक कर्म ना करें, इस तरह से मनाही की जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं है, अब अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार है कि हम कौन सा कानून कितना मान करके उसको निभा सकते हैं। बिल्कुल हाँ। और क्योंकि पंडित जी हम खास तौर पर यह भी जिक्र कर रहे हैं कि सूतक काल क्योंकि बच्चों, वृद्ध और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अलग है, जो कि 12 बजे दोपहर के आसपास शुरू हो रहा है, तो उन्हें क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए और उनके लिए खास क्यों ऐसा? देखो हमारे शास्त्रों में साफ साफ सनातन धर्म बड़ा ही मतलब की वैज्ञानिक धर्म है, इसमें कहा गया है कि जैसे उत्तर दिशा मंगलवार के दिन उत्तर दिशा का दिशाशूल होता है, ठीक है, और मंगलवार को भूकंप आ गया और घर से भागने का रास्ता सिर्फ उत्तर दिशा में है, तो आप दिशाशूल देख करके भूकंप में बैठे रहोगे कि भाग करके अपनी जान बचाओगे? भाग कर अपनी जान बचाएंगे, जान बचाएंगे ना, दिशाशूल नहीं देखोगे ना। उसी तरह से जब आपत्तिकाल आए तो मर्यादा नहीं देखी जाती है। आपत्तिकाल का मतलब कि जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है, आप कहो कि नहीं हम तो सूतक में दवाई ही नहीं खिलाएंगे, किसी को ड्रिप लगना जरूरी है, किसी को टेबलेट खिलाना जरूरी है, किसी को दवाई खिलाना जरूरी है, आप कहिए ना 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 सूतक काल में ये सब मना है, ये सब क्या है, रूढ़वादिता है। तो सबको अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन जो जितना सामर्थ्यमान हो उतना ही करना चाहिए। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर क्रियाग्राही नहीं है, ईश्वर भावग्राही है, ईश्वर देख रहा है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या कर रहे हैं। अब जैसे हमारे शास्त्रों में अशौच में रहने वाली महिलाओं को पूजा पाठ सब कुछ करने के लिए मना किया गया है कि आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं लड्डू गोपाल को अपने घर में रखती हैं क्या वो महिलाएं अशौच रहने पर लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करेंगी? जब आपने पुत्र भाव से उन्हें रखा है तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकती हैं हर परिस्थिति में, तो भगवान को क्यों नहीं? आपने भाव तो पुत्र का बनाया है ना, भगवान का भाव तो रखा नहीं है। तो इसलिए सूतक और ग्रहण काल में कोई बहुत अंतर नहीं है, जैसी आपकी परिस्थिति हो उस तरह से आपको उसका अनुगमन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।